और अब मैं जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट में आ गया हूँ। ये सीट बहुत हरियाणा की राजनीति में इम्पोर्टेंट सीट रही है। इसका इतिहास ये है कि शमशेर सुरजेवाला, जो रणदीप सुरजेवाला के पिताजी थे, वो यहाँ से कई बार विधायक रहे। रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ से सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हरा दिया और उसी से रणदीप सुरजेवाला की हरियाणा की राजनीति में एक अलग धाक पैदा हुई। रणदीप सुरजेवाला का घर यहाँ नरवाना से बिल्कुल पास में है और इस विधानसभा सीट पर चूंकि उनके पिताजी और वो कई बार विधायक रहे हैं, इस सीट पर उनकी पसंद नापसंद का कांग्रेस पार्टी बहुत ख्याल भी करती है और ओम प्रकाश चौटाला खुद यहाँ से मुख्यमंत्री रहते हुए भी विधायक रहे थे और यहीं से मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव हार गए थे। नरवाना सीट जींद जिले में आती है और इसका एक महत्वपूर्ण इस बार ये मामला है कि पिछले दो चुनाव विद्या रानी कांग्रेस के टिकट पर लड़ती रही थी। इस बार कांग्रेस ने दो चुनाव हारने की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया। अब देखिए, विद्या रानी ने एक दिन पहले कांग्रेस से इस अरे बैठो ना ताऊ कहाँ अरे आ जाएंगे वो भी आ जाएगा आइए हम तो ऐसे ही बात करते रहते जहाँ सब लोग बैठ जाते बैठिए है हमारे जो धुरंधर है ना राजनीति के वो यही है। ने मुझे बताया नरवाना में वो पकौड़े वाली जो दुकान है गणपत पकौड़े वाला मैं गया पहले उनके यहाँ, फिर मैंने सोचा पकौड़े बाद में दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आप जरा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर कोने में उधर पेड़ के नीचे 24 से हो मुकम करो, क्या पूछना चाहो बोलो। अभी तो हम अपना कहानी जरा सुना ले। तो नरवाना सीट से दो बार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली विद्या रानी को इस बार जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने INLD का दामन अंतिम दिन थाम लिया और कांग्रेस INLD ने यानी इनेलो ने उन्हें टिकट थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले दो चुनाव जो संतोष लड़ रहे थे, संतोषी नाम है ना उनका, संतोष लड़ रहे थे दो चुनाव, उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने JJP का दामन थाम लिया। अब कृष्ण बेदी जो कि दूसरे हलके से पिछला चुनाव लड़े थे शाहबाद से और चुनाव हार गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नरवाना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सतबीर दबलैन DABLAIN। मैं इतना देर से मैं याद कर रहा था, बोलते वक्त देखो गड़बड़ हो गया। सतबीर दबलैन उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, रणदीप सुरजेवाला के करीबी माने जाते हैं। तो यह नरवाना सीट जो इस समय एक समय हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती थी, वो हॉट सीट पर इस बार सारे नए चेहरे बड़ी पार्टियों की तरफ से आए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहां से दिया है। तो ताऊ सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, अब उनके बाहर आने के बाद हरियाणा के चुनाव पर कोई असर उनका पड़ेगा? पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान है उनके बाहर आने से। लोग तो बीजेपी को नुकसान है बाहर आने से उनके उनके बाहर आने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। अरे आप उल्टा बात कह रहे हैं, जो मेरी समझ की है वही कहूंगा मैं, जो मेरी समझ की है वही कहूंगा मैं। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग तो प्रो बीजेपी है इसलिए कहते हैं, वो प्रो बीजेपी है इसलिए कहते हैं बीजेपी को नुकसान है क्योंकि बीजेपी की बदनामी बहुत तकड़ी हुई है इसकी जमान तोड़ने से। आप TV देखे आज सारे चैनल देखो, आज क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, मैं देख नहीं पा। सब यही कह रहे हैं अगर सच्चाई की जीत हुई है, मोदी की हार है, सरकार की हार है। चैनल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं? नहीं नहीं, ईडी की हार है। अरे तो ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ईडी के CBI के खिलाफ। वो पिंजरे का तोता ना बना, ये मैं सुन के आया हूँ अभी। लेकिन तो बांसुरी स्वराज गौरव भाटिया बीजेपी वाले ने क्या कहा वो भी सुना? गौरव भाटिया का की है, और तो पहला उसका प्रवक्ता था समाजवादी का ही भी, इसका है उसका की है। उसकी बात की हम वैल्यू नहीं गिनते। बांसुरी स्वराज का वैल्यू है? नहीं, बांसुरी स्वराज को मेरे को नहीं पूछता कौन है कौन। सुषमा स्वराज की बेटी है, हरियाणा की बेटी है सुषमा जी, उसका कोई इम्प्रेशन नहीं है सुषमा स्वराज जाने के बाद, उसका कुछ नहीं। अब देखो MP है होगी लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में खाली कांग्रेस है?
कांग्रेस क्यों है, हमारे सारी है। एक बात सुनो, हमें ये कहते हैं कांग्रेस जो है ना, लोग कहते हैं कि 55-60 सीट लेगी। मेरी ऑब्जर्वेशन आज की 45 सीट की है कांग्रेस की, आज की जो ऊपर तो अटक जाएगी, 30 सीट है जो बीजेपी की है। और जो ये दूसरे हैं हमारे जो इनेलो रालोपा हैं, और ये जो आपके आजाद हैं, और जो आम पार्टी है, 15 सीटों में ही आएंगे। तो फंस गया मामला कांग्रेस का, मामला फंस गया, सारा मामला फंस रहा है। अजय एक बात मानते हो आप, ये टिकट बंटवा, मतलब जब तक कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जब तक नामांकन नहीं हुए थे, तब तक कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी लग रहा था। हाँ। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ, इतनी बगावत होने लगी, तब मामला गड़मट हो गया। तो बगावत, एक बात सुनो, सावित्री जिंदल सुबह कांग्रेस में ऐलान करती है, फिर आजाद भर दिया, वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट को ले बैठी हिसार से। राजीव जैन ने सोनीपत से आजाद भर दिया, तो बीजेपी के, बीजेपी का नहीं, आजाद भर दिया उसने। बीजेपी का थे ना वो, तो बीजेपी का टिकट मांग रहे, बीजेपी के थे। लेकिन सवाल तो इस बात का, डिफेक्टर तो दोनों तरफ से आ गए। डिफेक्टर कांग्रेस के भी हैं, डिफेक्टर बीजेपी के हैं। बीजेपी के थोड़े कम हैं, कांग्रेस के ज्यादा हैं। पहले लग रहा था बीजेपी में बगावत ज्यादा, अब कांग्रेस में ज्यादा है। इसी वजह से तो हम, अगर आप पार्टी का समझौता हो जाता, 60 सीट आती थी, 60-60। अच्छा, हाँ जी, समझौता नहीं हुआ तो ये 45 में रह लिए। अच्छा एक बात ये बताइए, ये नरवाना का क्या माहौल है? नरवाना में हमारे विचार में तो कांग्रेस जीतेगी। नरवाना में कांग्रेस जीतेगी, नरवाना प्रॉपर से कांग्रेस हार रही है 2,500-3,000 वोटों से, बाहर से जीत रही है 20,000 वोटों से। अच्छा लोकसभा में मैंने देख रहा था, अभी जो लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, 4,200 वोटों की शहर से बढ़त थी कांग्रेस को, ना इसको दूसरी बीजेपी को, और बाहर से 20,000 वोटों से हार थी। 15,000 कुल विधानसभा में कुल कांग्रेस को बढ़त थी। हाँ, बिल्कुल 15,000 कुछ की थी विधानसभा। लेकिन एक बात है, पहले नरवाना में इतने नामी गिरामी लोग लड़ते थे, अब नए सब चारों चेहरे ने, फिर क्या करें भैया, सीट जो है वो होगी ना रिजर्व होगी, जो नामी ग्राम में कहाँ से आएंगे? तो नामी ग्राम ये सेठ मुकंदीलाल जी अमरगढ़ वाले हैं। नहीं नहीं, सेठ साठ सेठ नहीं है, सेठ तो गलत लाई, सेठ की तो गलत करी, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मेरा जो है मुकंदीलाल अमरगढ़ वाला नाम है, ना मैं सेठ, ना लेना ना देना। बिजनेस होगा आपके जरूर? कुछ नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं, लड़के करें, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरा। अरे सेठ जी सब बना के गद्दी सौंप दिए बच्चों को, अब यहाँ आके रेलवे स्टेशन पर हवा खा रहे शाम को। हम तो रिटायर्ड हैं, बिल्कुल सरप्लस। क्या उम्र हो रही है आपकी? उम्र 79 के करीब पहुँच गया। तो यहाँ शाम को रोज बैठकी के लिए आ जाए? कोशिश तो करा, हाँ अगर जिंदा रहे तो। पूरा दंगल रसा हूँ जी, पूरा दंगल। 15 दिन पहले मैं इनकी बात सुन के गया था यहाँ पे। इन्होंने कहा था भाई जीन से महावीर को मिलेगी, मांगेराम के लड़के को टिकट, और उसे को मिली। रिश्तेदार है मेरा वो, रिश्तेदार। देखो इस आदमी में दम है, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं, मैं इसकी बात सुन रहा था। यार मुकंदी लाल अमर ओ, तो मैं लाला जी मैं सारी समझूं, मैं बालक नहीं हूँ। मैं सारी चीज समझता हूँ, मैं भी इसके मुकाबले का हूँ, मैं 73 साल का हूँ। अभी 6 छोटे पड़ रहे हैं। महावीर को मिल गई जी, महावीर को, महावीर को। अच्छा ये मैं 14 साल का मांगेराम गुप्ता के पास जाने लग गया था जी, 14 साल का था। मांगेराम गुप्ता तो बहुत बड़े नेता। अच्छा सुरजेवाला के साथ मेरे संबंध 1965 से है, 66 में मेरे ब्याह में, मेरे ब्याह में बरात थी सुरजेवाला, शमशेर सिंह उनके पिता। हाँ जी, क्योंकि रणदीप तो पैदा ही हुए सर, रणदीप तो मैंने गोदी में लाया। अच्छा वो रणदीप बदले की नहीं स्वभाव से? क्यों ठीक है, सभा ने की है सभा, थोड़ा मैं बताऊँ क्या डिफरेंस है। सुरजेवाला तो जो था सुरजेवाला, वो मतलब अपनी बोली के कारण किसी का बुरा मनाया नहीं करता, और काम करने की स्पीड भी उसकी बहुत ढीली थी, मतलब ज्यादा तेज नहीं थी। शमशेर सुरजेवाला जी की, हाँ जी, हाँ जी, बड़े की। इसकी दोनों बात है, यू अपना आदमी का काम भी खूब करे है,
और जिसका गला विरोध उसका गला खोरी भी पूरा है ये। इसकी है दोनों बात, जो जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करी है। मैं इसका वैसे नज़दीक ज़्यादा नहीं रहा, इसका बाप के नज़दीक बहुत रहा। इसका मैं